चैनल मोड लुक बुटीक। फ्रेंड्स, अज मैं तुहानू जिहड़ी लास्ट वीडियो दे विच पजामी कट्टी सी उहदी स्टिचिंग करके विखावांगी कि पजामी किवें सिलदे आ। ठीक है जी, उस तो पहला फ्रेंड्स जिन्होंने हाले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली नैक्सट वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पजामी की स्टिचिंग। फ्रेंड्स, ये पजामी की बैल्ट, सब तो पहला आप बैल्ट रेडी करांगे, जिमें कि आप अपनी सलवार वगैरह की बैल्ट रेडी करी दी है। ठीक है जी, हुण मैं इहदे च मोरे वो नहीं बनानी, चिड़ी नहीं बनानी हैगी क्योंकि नाला पाने दे लई, क्योंकि मैं इस इहदी पजामी दी विच इलास्टिक ही पानी है। ठीक है जी, फ्रेंड्स बैल्ट के दोनों साइड आप सिलाई लगा ली है, नेफ आप वाच फोल्ड करेंगे क्योंकि आप इलास्टिक पानी है तो फिर इलास्टिक के नाल नाल नेफा फोल्ड करेंगे। ठीक है जी, हुण आपां पजामी दे आसन जोड़दे हाँ। तो जिहड़ी आपां इह चिड़ी कट आह कट्टी सीगी म्यानी कट्टी सीगी, म्यानी भी विच अटैच करनी दसदी हाँ मैं तुहानू। फ्रेंड्स देखो, ये पजामी दे दोनों दोनों जिहदा कट्ठे पल्ले कट्टे सी आपां, देखो एक आसन इधर हो गया डबल पल्ले का, ठीक है, तो एक आसन इधर आ गया। ठीक है जी, हुण आपां इहदी चैक के इहनू, जे आपां विच म्यानी नहीं पानी है तो फिर आपां इहनू इहदी सिलाई कर देना सीधा। ठीक है जी, बट मैं इहदे विच म्यानी पानी है, म्यानी दे नाल की हुंदा है जो जदों असीं बैठ दे उठदे हाँ तो फिर खिच नहीं पैंदी आसन दे विच। ठीक है जी, म्यानी पा के वधिया रहिंदा आ। ठीक है, मैं हुण इहदे विच म्यानी पानी आ, एक म्यानी कढ के पहले देखो इस तरह रख के एक साइड, मैं एक पल्ला चक दिता है उपरों थोड़ा जिहा। ठीक है जी, तो एक साइड का ही रखिया आ इस तरह, ये नाल ही म्यानी अटैच कर देनी है। तुसी चाहो तो इनू डबल सिलाई भी कर सकते हो। ठीक है जी, हुण इनू इस तरह खोल के देखो एक साइड तो ये जुड़ गई है। हुण आपां दूसरी साइड का जिहड़ा वो है पल्ला है वह भी इहदे उपर रख के सिलाई कर देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इहदी म्यानी की एक साइड जिहड़ी हुंदी है वह सीधी हुंदी है, वह तो आराम नाल जुड़ जाती है, जिहड़ी दूजी साइड हुंदी है वह थोड़ी रेबदार हुंदी है। इस गल का ध्यान रखना, तुसी इहनू खिच के नहीं जोड़ना हैगा, नहीं तो फिर थोड़े आसन एक साइड तो लंबा हो जाना जोड़ने वाला, एक पासे तो घट। ठीक है जी, इहनू आराम नाल रख के ही जोड़ना है, जिवें नॉर्मली पई है ऐसी तरह रख के जोड़ देना इहनू। ठीक है जी, इस तरह खिंचना नहीं है इनू जरा भी। फ्रेंड्स देखो, ये म्यानी इस तरह जड़ी है ये जुड़ चुकी है। ठीक है जी, दोनों तीनों दोनों पासे का कोई भी आसन बड़ा छोटा नहीं आया, असी हुण इस पासे की सिलाई नू भी डबल कर देना है। ठीक है जी, ये देखो हुण साडी इधरली साइड जिहड़ा है आसन च म्यानी जुड़ गई है। ठीक है जी, आ देखो इस तरह, इसे तरह असीं दूसरी साइड के आसन च भी म्यानी जोड़ देनी है। फ्रेंड्स, दोनों साइड के आसन जिहड़े आ आपां म्यानियां पा के तैयार कर ले आ। ठीक है जी, हुण आपां करांगे नीचों जिहड़ा डेढ़ डेढ़ इंच फोल्ड करन दे लई एक्सट्रा कट्टिया सी, हुण आपां मोरी जिहड़ी है मोरियां फोल्ड करांगे दोनों साइड तो। ठीक है जी, डेढ़ डेढ़ इंच जिहड़ा एक्सट्रा कट्टिया सी उही आपां फोल्ड कर लें। फ्रेंड्स देखो, मैं आसन भी अटैच कर ले आ। ठीक है जी, तो नाल मैं नीचे मोरियां भी इहदियां फोल्ड कर ली हैं, तो हुण आपां लगाना हैगा आ फिटिंग का निशान। देखो पहला मोरी का निशान लगाना है, 6 इंच साड़ी मोरी है। ठीक है जी, 6 इंच मोरी का निशान दोनों पैरों पर लग जाना है। ठीक है जी, ये इस तरह मोरी का निशान, तो बाकी जिहड़ी साड़ी मार्किंग है ये साड़ी ऑलरेडी पहलां दी असीं कीती हुई है कटाई वेले दी। आपां देखो हुण यही मार्किंग दे नाल अपनी दूजी लैग ते भी यही मार्किंग करनी है सेम। हुण इह जिहड़ी दोनों लत्तां ते सेम सेम मार्किंग
मार्किंग होनी चाहिए ता ही वधिया फिटिंग दोनों पास सेम सेम आती है। ठीक है जी, दोनों पास तुसी इस तरह करके भी लगा सकते हो मार्किंग। बट फ्रेंड्स, एक बाजार दे विच एक मार्केट ए वाली गरारी आती है, ठीक है जी, जिदे नाल जिहड़ी साडी मार्किंग है यह सेम मार्किंग दोनों लत्तां ते हो जाती। देखो हुण जिवें जिवें साडी इह हैगा होया आ ने मार्किंग होई हो है, उस मार्किंग ते आपां इस गरारी नूं इस तरह घुमा देना है। ठीक है जी, तुसी चाहो तो चाहे पूरी लत्ते घुमा सकते हो, बेशक विच विच इस तरह कर सकते हो। ठीक है जी, हुण देखो जो असीं नूं उपर चकना है तो साडी नीचे वाली लैग ते भी यही मार्किंग देखो शो हो रही है। देखो मैं जूम करके दिखानी है, ये देखो ये सारे पॉइंट्स जेड़े हैगे आ इह इत्थे दूजी लैग ते भी शो होण लग गए आ। हुण आपां यही पॉइंट्स दे नूं आपां इक दूजे दे नाल मिला देना है। देखो ये सारी मार्किंग आपां इसी तरह इह जेड़े मार्क निशान होए सीगे शो होए सी उहनां दे उपर उपर आपां सेम मार्किंग आपां कर ली है। ठीक है जी, दोनों लैग्स ते हुण आपां इह फिटिंग दी सिलाई लगाउणी है। ठीक है जी फ्रेंड्स, देखो मैं ये सेंटर वाली सिलाई लगा ली है फिटिंग दी। ठीक है जी, पूरे पासे हुण आपां पाने आ इहदे बाल। ठीक है जी, बाल आपां इहदे जिद्दां सलवार दे बाल पाईदे आ दो बाल पिछे पाने आ ते बाकी जिहड़ा बचना है कपड़ा उहदे अग्गे बाल पाने आ। सलवार दे बाल वांगू पाने आ सेम, बट इहदे जिद्दां गेड़ घट आ तां फिर इहदे च चार चार पंज पंज वाल ही पैणगे, ज़्यादा ज़्यादा बाल नहीं पैणगे। फ्रेंड्स देखो आसन नाल बैल्ट दे आसन नाल पजामी दा आसन मिला लेना है आपां। ठीक है जी, मिला के सिलाई शुरू कर लेनी है। डेढ़ दो इंच तक आपां इहदी डेढ़ क इंच तक सिलाई इहदी लगा देनी पहलां। ठीक है जी, ते हुण आपां पाने आ बाल। बहुते वड्डे वड्डे बाल पाण दी लोड़ नहीं हैगी क्योंकि इहदे बाल ज़्यादा नहीं पैने, थोड़े ही बाल पैने हैं। फ्रेंड्स बाल किद्दा पाई दे आ, बैल्ट किमें पूरी पूरी हो रखी दी आ, जिमें असी सलवार वास्ते बैल्ट नापी दी है उसी तरह मैं करके पाती हुंदी हाँ। ठीक है जी, मैं जिमें सलवार नूं बाल पाने दसे आ सेम उसी तरह इहदे बाल पाने आ। बाल पाने किमें पाने आ उसका जिहड़ा लिंक आ वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स च पा दूंगी। ठीक है जी, जिन्हां नूं कोई दिक्कत आती है उहदे विच देख सकदा आ। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी वेख्या करो ता ही तुसी वधिया ढंग दे नाल सीख सकते हो। फ्रेंड्स इस तरह बल पा के असी सीधे पिछली साइड आ जाना है इसी तरह सिलाई लगाते हुए। ठीक है जी, फिर आसन दे नाल आसन मिला के पिछला भी, तो फिर जिहड़ा साडा फालतू कपड़ा होना है उहदा एक पिछे बल पा देना है। पिछे वाल इस करके पाईदा ताकि पिछे पिछली साइड टाइट ना होए, खुला खुला रहे। ठीक है जी फ्रेंड्स, एक साइड दे बाल साडे जड़े है वो अगले पिछले कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, एक साइड दे इस तरह सेम आपां दूसरी साइड दे बाल भी पा लेने हैं। ठीक है जी, फ्रंट मोरे तो स्टार्ट करके बैक वाले बाल तक सेम इसी तरह जिद्दां असीं इधरों पाए है इद्दी आपां इस पास्यों भी पा लेने हैं। फ्रेंड्स ये सारे बाल पै चुके हैं, सारे बाल पैन तो बाद एक ये वाले जिहड़ा मार्जन हैगा इहनू उपर नू चाक के उपरली साइड करके एक दबमी सिलाई लगा देनी है इहनां ते। ठीक है जी, पूरे बलां ते दबमी सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स हुण साडी जिहड़ी पजामी है पूरी बाकी सारी तैयार हो चुकी है, हुण रह गई है सिर्फ इलास्टिक पानी। ठीक है जी, मैं इलास्टिक जिहड़ी है ये अपनी हिप दे अकॉर्डिंग लै ली है। ये इलास्टिक दा मेजरमेंट ते इलास्टिक किवें किस साइज़ दे नाल किदां किन्नी कट्टनी है मैं ये इसका लिंक इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पा दूँगी, तुसी देख सकते हो। तो इलास्टिक किमें पानी है ये भी मैं थोनों दस्या होया है। इलास्टिक चाहे पजामी पानी है, चाहे पजामे, चाहे सलवार, जिस भी चीज़ इलास्टिक पानी है सेम एक ही तरीके दे नाल पानी है। ठीक है जी, ये वाली इलास्टिक। ठीक
ठीक है जी, उस तरह पानी है। मैं प्लाजो की इलास्टिक वाली जी वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा दूँगी, ठीक है जी। तुम चाहो तो इलास्टिक किमें पानी है इस देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, हम आप इलास्टिक पानी है। फ्रेंड्स देखो मेरी जी पजामी है ये बन के रेडी है, ठीक है जी। मैं उपर भी इलास्टिक पा ली है, ठीक है जी। ये जी सारी पजामी है यह सिल के रेडी हो चुकी है, ठीक है जी। फ्रेंड्स मैं उम्मीद है कि तुम्हें मेरी वीडियो बहुत वधिया लगी होगी, पूरी समझ भी आई होगी। कहो जी लगी है मैं कमेंट करके जरूर दस्यो। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स मेरी नैक्सट वीडियो के नवी क्रिएशन के नाल। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।